नमस्कार दोस्तों, भगवान गणेश की जन्म कथा और उनके मस्तक कटने के बाद हाथी का सिर लगाने वाली कथा से तो आप सभी अवगत ही होंगे। और भगवान गणेश को हम गजमुख स्वरूप में ही पूजते हैं और सभी मंदिरों में भी भगवान गणेश के गजमुख स्वरूप की प्रतिमा ही स्थापित की जाती है। पर दक्षिण भारत में स्थित एक मंदिर ऐसा है जहाँ भगवान गणेश का चेहरा इंसान स्वरूप में है। यह दुनिया का एकमात्र मंदिर है जहां भगवान गणेश गजमुखी न होकर इंसान स्वरूप में है। इसके साथ ही इस मंदिर की एक खूबी और है, ये ऐसा एकमात्र गणेश मंदिर भी है जहां लोग अपने पितरों की शांति कराने के लिए पूजन करने आते हैं। यहां की लोक मान्यता है कि इस जगह पर भगवान श्री राम ने भी अपने पूर्वजों की शांति के लिए पूजा की थी, जिस परंपरा के चलते आज भी कई भक्त अपने पूर्वजों की शांति के लिए यहाँ पूजा करने आते हैं। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में मौजूद ये मंदिर भले ही बहुत भव्य ना हो, लेकिन ये अपनी इस खूबी के लिए जाना जाता है। सामान्यतः पितृ दोष के लिए नदियों के किनारे तर्पण की विधि की जाती है, लेकिन इस मंदिर की खूबी के कारण इस जगह का नाम ही तिल तर्पणपुरी पड़ गया है। इस मंदिर के कारण यहाँ दूर दूर से लोग अपने पितरों के निमित्त पूजन कराने आते हैं। तमिलनाडु के कुटनूर से लगभग 2 किमी की दूरी पर तिल तर्पण पुरी नाम की एक जगह है। यहीं पर भगवान गणेश का यह आदि विनायक मंदिर है। इस जगह का नाम तिल तर्पण पुरी पड़ने के पीछे एक खास कारण है। तिल तर्पण पुरी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला तिल तर्पण और दूसरा पुरी। तिल तर्पण का अर्थ होता है पूर्वजों को समर्पित और पुरी का अर्थ होता है शहर, यानी इस जगह का मतलब ही है पूर्वजों को समर्पित शहर। इस जगह पर भगवान गणेश के नरमुखी रूप से साथ साथ भगवान शिव का भी मंदिर है। आदि विनायक मंदिर के बीच भाग में भगवान शिव का मंदिर प्रस्थापित किया गया है और शिव मंदिर से बाहर निकलते ही भगवान गणेश का नरमुखी मंदिर देखा जा सकता है। दोस्तों, भारतवर्ष के ऐसे ही कई रहस्यमयी मंदिरों और दिव्य स्थानों के बारे में जानने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जहां आपको और भी कई पौराणिक रोचक तथ्यों की जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।